Welcome to Bajaj Pulsar. Your bike is powerful machine. Please drive carefully. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की राइड शुरू हो गई है। आज मैं जाने वाला हूँ हल्द्वानी टू किच्छा। अभी मैं हूँ हल्द्वानी बरेली रोड में और मौसम आज थोड़ा ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है। आज थोड़े बादल लगे हुए हैं। तो चलिए निकलते हैं किच्छा की ओर और आप भी इंजॉय कीजिए इस राइड को। सामने दिख रहा है किया मोटर्स और इस साइड है होंडा। तो शोरूम भी बहुत हैं इसमें गाड़ियों के, इस बरेली रोड में। और ये देखिए कितना सुंदर टेंपल है। यहाँ पर बाहर से ही इतना अच्छा लग रहा है और अंदर जाने पर ये और भी खूबसूरत है। इस रोड को बहुत टाइम हो गया है, पता नहीं ये कब कंप्लीट होगी। ये देखिए जगह जगह पर इसमें डाइवर्जन है, कहीं पर भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर सही से दिखे ना तो। और ये देखिए यहाँ रोड कंप्लीट हो चुकी है और जहाँ भी रोड कंप्लीट हो गई वहाँ काफ़ी आप इसमें स्मूथ राइड कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी 220 की बात है, ये कभी भी आपको पिक करने में कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। जब भी आप एक्सीडेंट दबाएंगे तो ये आगे को ही भागेगी। और ये देखिए इसमें आराम से 100 प्लस क्रूज किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू इसमें 100 प्लस चलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पता नहीं कब कहां पर डाइवर्जन आ जाए। लेकिन जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसमें आराम से आप मज़े से क्रूज कर सकते हैं। सो अभी हम पहुंच गए हैं लाल कुआ और ये है लाल कुआ की मार्केट। लाल कुआ की मार्केट में अभी हम एंटर कर चुके हैं। अरे भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या हो गया? ये लालकुआ का नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, लालकुआ जंक्शन। और ये जो सामने देख रहे हैं ये है सेंचुरी पेपर मिल और पूरे इंडिया में यहाँ से पेपर जाता है। ये पुलिस वाले भी बिना हेलमेट के चले हैं यहाँ पर और यहाँ पर चेकिंग चल रही है। ये रोड पता नहीं कब कंप्लीट होगी, तब इसमें मज़ा आएगा बाइक चलाने में। अभी तो आप स्पीड क्रूज ही नहीं कर पा रहे हैं, जगह जगह पर आपको ब्रेक लेने पड़ रहे हैं। सो अभी हम पहुंच चुके हैं नगला और ये वाली रोड जा रही है आपकी पंतनगर हवाई अड्डा और रुद्रपुर की तरफ को। अगर आपको वहां जाना है तो यहां से जा सकते हैं आप। यहां की रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है अब, पहले तो बड़े बड़े गड्ढे थे इसमें लेकिन अब बड़ी स्मूथ बन गई है। अभी किच्छा पहुँचने में शायद आधा घंटा और लगेगा। पिछले 2-3 दिन से बारिश का अनुमान लगाया गया था मौसम विभाग से, लेकिन अभी यहाँ को तो बारिश के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। हालांकि बादल हैं थोड़े थोड़े, लेकिन बारिश तो मुश्किल लग रही है। हालांकि पहाड़ों को बारिश हो रही है लेकिन अभी हल्द्वानी या नीचे रुद्रपुर या किच्छा को अभी बारिश के कोई आसार नहीं है। अरे बाबा पास दे दो, ये बड़े बड़े ट्रकों से बड़ा डर लगता है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है
जिसमें अभी लिखा गया है कि इच्छा अभी 12 किलोमीटर और बचा हुआ है। आपकी इच्छा रह गया है सिर्फ 3 किलोमीटर, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये रोड जाएगी यहाँ से रुद्रपुर को। अगर आपको रुद्रपुर जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं किच्छा। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन और यहाँ से किच्छा की मार्केट शुरू हो जाती है और बड़ी मार्केट आगे है। अभी और ये है किच्छा की खूबसूरत मार्केट। सुना है कि यहाँ सामान थोड़ा सस्ता मिल जाता है रुद्रपुर और हल्द्वानी की अपेक्षा। अभी मैंने ख़रीदा तो है नहीं, लेकिन सुना है मैंने बहुत सारे लोगों से। ये तो जब ख़रीदेंगे तभी पता चलेगा। अगर आप तो कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर सस्ता मिलता है या फिर सेम हल्द्वानी या रुद्रपुर की तरह मिलता है। ये है किच्छा बस स्टेशन। यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। यहाँ से सितारगंज, दरऊ, बरेली यहाँ के लिए रोड कट जाती है और ये रुद्रपुर को भी रोड यहाँ से कट जाती है। तो ये थी किच्छा की मार्केट। अभी मैं आ गया हूँ बाईपास रोड पे। और अगर आपको किच्छा नहीं जाना है, मार्केट में नहीं जाना है, तो आप यहाँ से भी आ सकते हैं। यहाँ से आपको ट्रैफिक कम मिलेगा। यहाँ से आप सीधे सितारगंज या आपको रुद्रपुर बरेली जाना है, वहाँ की रोडों से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं इस रोड पे इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर काली माता जी का एक खूबसूरत मंदिर है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये है सूरजमल यूनिवर्सिटी यहाँ किच्छा की, सूरजमल अग्रवाल यूनिवर्सिटी है। फाइनली मैं पहुँच गया हूँ काली माता टेंपल पे। काफ़ी खूबसूरत टेंपल है जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि मुझे अभी अंदर तो जाने का टाइम है नहीं क्योंकि मैं एक बार पहले भी या दो बार, एक या दो बार यहां पर जा चुका हूं। तो फिर कभी मौका मिलेगा तब जाएंगे। अभी मैं बाहर से इसके दर्शन आपको करा देता हूं। देखिए कितना खूबसूरत है ये और अंदर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। तो कभी भी आप यहाँ आएँ तो यहाँ जाना मत भूलें, आपको यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी खूबसूरत ये मंदिर है।